और अब आपको दिल्ली के अटल समाधि स्थल पर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। ऐसे में श्रद्धा अटल जी को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज तमाम नेतागण पहुंच रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मारक पर। और साथ ही ये पुण्यतिथि के जो तैयारियां हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बार फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और ये तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। और दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, श्रद्धा अटल जी को नमन करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं सभी नेतागण। और हर साल 16 अगस्त के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जाता है उनके अहम योगदान के लिए, भारत की राजनीति को मजबूत स्तर तक पहुंचाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है, और ये सीधी तस्वीरें स्मारक स्थल से हैं। ये समाधि स्थल अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और ऐसे में यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद के भीतर अपनी बात को रखते थे, अपने वक्तव्य को रखते थे, तो हर कोई उन्हें बेहद गौर से सुना करता था, चाहे विपक्ष में बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्यों ना हो। सत्ता पक्ष के लोग तो उनके मुरीद थे ही, लेकिन विपक्ष के लोग भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुरीद हुआ करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी एकमात्र ऐसे लोकप्रिय नेता रहे जिनकी खिलाफत कभी विपक्ष भी करता हुआ नहीं नजर आया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ना केवल राजनीति में अपना शानदार उन्होंने व्यक्तित्व जाहिर किया था और राजनीति को एक अलग स्तर पर लेकर के पहुंचे थे, बल्कि कविताओं के लिए भी उन्हें याद किया जाता है।